तो 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, नाजा नहीं करना। तुम सोचोगे कि हवाई जहाज और ट्रेन हमारे जाने पर छूटेगी, ये धोखा है। तो सर तुम जवाब इतना देर करते हो कि अभी तक आ रहे हैं। तो तुमने उनको जानते नहीं है, अज्ञान में और अयोग्य हिस्सा है क्या। हर चीज को पहले से ये रास्ता है मालिक से मिलने का। आपको जो दिया गया है इसको रमजान कहते हैं, मालिक से मिलने का रास्ता दिया। उस रास्ते की कमाई के लिए आपको जोड़ दिया गया हमारी, लेकिन सब बाल बच्चों में काम में धाम में एक फंसे रहते हैं और जो काम बताया है अपने लिए वो नहीं करते। तो ये तो गैरों का काम है, नहीं तो आपका है नहीं और सामान भी आपका नहीं। तो शरीर जब खाली होगा, जीवात्मा निकाली जाएगी तो शरीर नहीं पड़ा। जीवात्मा का शरीर है नहीं और सामान वो बड़ा हुआ, सामान भी जीवात्मा का नहीं। ये तो शरीर के उपयोग के लिए दिया गया था कि जीवात्मा जब तक इतना है तब तक आप इसको इस्तेमाल करो, काम में लो और जल्दी से जीवात्मा को जगा के अपने घर में करो। तो ये देश तो काम का है, या तो जल में मरना, दो ही पर हिसाब है, एक पाप पर एक पुण्य पर। जो भी अच्छे बुरे कर्म करोगे उसका वो फैसला करेगा। उसने कहा मैं काल रूप में उन कर्म रहता, शुभ का शुभ कर्म फल देता, मैं शुभ अशुभ कर्मों का उनको फल देता हूँ। मेरा देश काल का है, यह दयाल का देश नहीं है। और आपको बताया गया दयाल के देश में चलो तो आप चलते ही नहीं। किसी ने कार में चलना चाहे तो इतने लोगों को नाम जान दिया, सबने यही आकर के कहा कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये रोजी रोजगार चल जाइए, ये बीमारी आई इसको ठीक कर दीजिए, लड़ाई है झगड़ा है, सबने यही बात बताई, बाकी किसी ने भजन की बात नहीं बताई। इतने आए थे, एक में भी तो नहीं कहा, तो हमको इतनी ऊंची चीज सुनाने से क्या लाभ हुआ और आपको क्या, हमने समय बर्बाद किया, आपने उसको नकार दिया, फेंक दिया और इसी में लगे दिया। वही आदमी तो साधना की बात बताता कि मैं घर चलना चाहता हूँ, मैं संसार को नहीं चाहता हूँ, एक मिनट ये देता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कोई कोई करोड़ों में कोई कोई यत्न करेगा और उन करोड़ों में कोई कोई चलेगा और उन करोड़ों में कोई कोई पहुंचेगा। और आपको कितना सीधा सुलभ और सरल रास्ता बताया, यहाँ बंदर चलो, ईश्वर का भी बताया, ब्रह्म का भी बताया, पराब्रह्म का भी बताया, महाकाल पर्वत का भी बताया और अपने देश का भी बताया, लेकिन किसी तरफ नहीं चलते हो। चलो अगर उसकी तरफ भी चलो तो कम से कम थोड़ा बहुत सुख तो ज्यादा मिले, लेकिन वो भी नहीं। अगर तुम्हें तड़प होती तो ईश्वर को ही प्राप्त करते, चलो उन पर नहीं जाते। अगर आप में तड़प कम होती तो ब्रह्म को ही प्राप्त करते, लेकिन न ईश्वर के न ब्रह्म के लिए न घर जाने के लिए इसमें बातें पड़ेगी।
तो बताओ मैं उनकी चीज बता के जरूर है यार, मेरा समय बेकार जाएगा। और आप तो आए हो ऐसे ही होटल बचाने के लिए, ऐसे ही भाग दौड़ करके मिल जाएगा कुछ। जब कहा गया था कि बैठ जाओ ना, सब लोग बैठे हुए मिले तो कुछ रस्ते में खड़े हो, किस लिए खड़े हो? क्या मिल जाएंगे जब आपको कहा कि बैठो? वो देखिए चले जा रहे, क्या मिलेगा उनको? अभी चले आ रहे सत्तर समाप्त हो जाएगा तब आके कहेंगे हम दिवाली में गए थे और वहां पहुंचे थे, ये लेन की लेन चली आ रही। अपनी आंखों से देख लो कि बाबा जी कोई बात ऐसी कहते हैं, इसलिए करो तो ठीक से करो, नहीं तो घर बैठो, क्योंकि जब आपको यही रहना है तो यही का काम करो, और यहाँ नहीं देना है तो थोड़ा बहुत तो करो कम से कम, थोड़ा भी नहीं करते कि हमने आधा घंटा किया, एक घंटा किया, हमको ये चीज मालूम हुई या हमको नहीं मालूम हुई, हम एक एक घंटे दो दो घंटे बैठे, हमको ये नहीं पता, तो उस बाधा को दूर कहीं जाए और कोई कोई नहीं संसार बात करता। अरे संदर्भ क्यों कहा है? जब काया तुम्हारी नहीं है, जीवात्मा का शरीर नहीं, न वो सामान है, तो तुम इसके लिए चिल्लाते हो? ये नहीं कहते हो कि हम मालिक की तरफ, मालिक से मिलना चाहते हो, चलना चाहते हो, सच्चा आनंद सच्चा सुख कहते हैं, तो आप करते तो और कुछ नहीं, बड़े दुख की बात है। इसलिए आगे तुमको कोई भी भटका सकता है, कोई भी भटका देगा, चलोगे नहीं, कोई भुला देगा और गिरा देगा आपको, फिर जाओगे तहां रह जाओगे। तो कुछ कर लो, अभी मौका है, आपके पास मौका है। हमारा तो शरीर बहुत ज्यादा हो गया, हमारा क्या, हम कब चलते? ये दो जाने के करार करार कर रहे, किराए का मकान है कभी भी कर लेते, समय पूरा हो गया चलिए तो क्या कर, इसमें रहेंगे क्यों? यहां से आपका तो नहीं हुआ, हमारी चीज है हमको दे दो, हमने तो अपनी चीज देकर कहा था आप मालिक से मिलो तो काम करो, तो आपने तो हमारा काम भी नहीं किया, कि जो पाप पुण्य बताए थे उसको भी नहीं समझा और अपना भी काम नहीं किया, तो क्या करेंगे? 84 भेजेगा नरकों में भेज देगा और तरह तरह की यात्रा देगा, और ये मनुष्य नहीं फिर नहीं मिलेगा, कितने युग बीत जाएंगे तभी हाथ आने वाला भी। ये प्रभुपंथी जल के जीव थल के जीव है तो छोटे छोटे अभी भोग रहे, जीव आत्मा तो उतनी है जितनी आप में, उतनी उनमें है, अब उनको शरीर मिल गया, अब काट रहे, अब हो गए अपने क्या करेंगे, तो मैं पूरा उसमें से उसमें निकाला, बंद कर दिया उसने, बंद कर दिया उसने, बंद कर दिया, यही काम होता है। आपको मनुष्य मिला है तो आप भजन कर लो, भजन करो, दामदान कितने लोग दामदान के लिए आए, हाथ तो उठाओ, अब इतने लोग दामदान के लिए आए ये कुछ करेंगे? जो तुम्हारे सामने ये कुछ नहीं कर रहे जो पहले के, तो आप क्या कर लोगे? आप इतना ही करो कम से कम कि अच्छा और बुरा क्या है, बुरे को मत करो अच्छे को करो, इतना ही कर रहा, अच्छा कीजिए बुरा मत कीजिए,
और ये अपने आप में पहचान होती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। लेकिन मन आपसे बड़ा भागी है, वो तो मतलब यह है इसमें उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो मन का खेल सूरत के साथ तो सोनी का हो गया, और मन और सूरत दोनों मिल जाएंगे तब तो जल्दी निकल जाएगा। वो उपाय बताया जाता है कि मन को सूरत का साथ तो तुमको सच्चा सुख मिले, जहाँ से आओ वहाँ पहुँच जाओगे, सारा आनंद भोगोगे और जीवात्मा अपने घर में चली जाएगी। लेकिन नहीं, वो काम नहीं कर रहा था। न मन कहता मैं वहाँ जाऊँगा, मैं सही ढूंढूंगा, अपने आनंद की तलाश यहाँ कर लूंगा, यहाँ करता रहता है। और यहाँ क्षणिक चीज है तो क्षणिक व्यवस्था ही कैसे मिलेगा? क्षणिक में तो क्षणिक है, वैसे आया खा लिया, देख लिया, भोग लिया, वैसे वैसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्चा आनंद पाना है तो अंदर चलो, अंदर कमाई करो, घंटे और घड़ियाल बजाए, उनकी आवाज को सुनो, तो जहां से वो आवाजें आ रही हैं, जब आप उसको पकड़ोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, तो उसका दर्शन होगा। तो ये दिया बहुत बड़ा और छोटे छोटे दीपक सब जल रहे हैं सबके साथ। तो ईश्वर को कहा है कि तुम ज्योति स्वरूप हो, तो वहां जब जाओगे तो देखोगे अनंत दिए छोटे छोटे जल रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर तो चलो, जहां मैं आपको बताया कि जब सामने देखो तो मन को आंख के साथ रखो, जब मन आंख का साथ देगा तो आंख खुलने लगेगी, दिखाई देने लगेगी, तीसरी आंख खुल जाएगी। जब भजन करो ऊपर की आवाज तो सुनो, तो मन को कान के साथ रखो, कान का साथ दो। जब कान का साथ दोगा मन, तो ऊपर से जो आवाजें आ रही है सुनने लगो, सुनने लगोगे तो पकड़ लोगे। तो ना आप आंख के साथ देते हो, न कान का साथ देते हो, भागे भागे पढ़ते रहते हो, आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज उसने कैसा कह दिया, उसको मार देंगे, उसका छीन लेंगे, यही है। दिन रात मचा रखा, आज दिवाली का दिन है। तो जो आप तेल डाल के दिया जलाते हो और मना लेते हो कि हमने दिवाली मना ली, और कुछ मीठा वीठा खा लिया और दूसरे आए उनको खिला दिया, आप उनके आ गए तो उन्होंने आपको खिला दिया, ये रस्म है, ये व्यवहार आपने अदा कर लिया। लेकिन ये नहीं है, ये दिवाली का ये नहीं, दिवाली तो ऊपर है, सदा दिवाली, हमेशा हर क्षण दिवाली होती रहती। अरे सतलोक में हर क्षण दिवाली है, तो वहां जाने की तैयारी करो, और उसी का रास्ता वही बताया आपको कि चलो आप कमाई करो, थोड़ी उदासता अभाव, थोड़ा सा संसार को समझना चाहिए, ये संसार इसकी वस्तु इसके लिए, और इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, तो जीवात्मा से उसकी कमाई कर लो, इसकी रक्षा भी हो जाए और उसकी कमाई भी हो जाए, समय पूरा हो जाए तो ये खाली हो गया, सामान वो पड़ा और ये खाली हो गया, और आपने उसके शरीर में बैठ करके अपना काम कर लिया, तभी रजस होता है। ये लोग आए, इन्होंने अपना काम किया और कहा ये शरीर आपका ले,
आपके शरीर में बैठ करके काम हो गया, अब जा रहे हैं अपने घर, शरीर को दे दिया चले गए। आप हर वक्त चिल्लाते संसार के लिए, ये मानते हो, ये तो अपने कर्मों का भोग है, जितने जैसे कर्म किए वैसा उसको भोग मिला। अच्छे कर्म करो तो अच्छा, और बुरे करते हुए आए तो बुरा फल मिला। अब इसका अंत जब तक नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छूटेगा, कर्म भोग लेना ही अच्छा है। माफी मांग मांगो और अंदर चलो चलो, तो तुम्हारा सार्थक समय हो जाएगा, काम में आ जाएगा, नहीं तो शरीर बेकार जा रहा है, इसी काम करें। अब मैं आपको नामदान दूंगा, लेकिन किसी किसी ने जो गलती की है उसकी उनको कड़ी सजा मिलेगी। मना किया था यह सुधार मत करना, तो कहते थे हम नहीं करेंगे, और फिर कर लिया तो कड़ी सजा मिलेगी। मिल रही है उनको, मिल रही है कड़ी सजा। ऐसे कहा था कि भाई कोई नशा मत करना, जितने बुद्धि पागल हो जाए उसका पियो, घर में होका रख लो पियो, और वो आदत जो नशे की छूट जाएगी, तो होका लाभदायक होगा, नशा बीमारी दिया उससे ऐसे ऐसे रोग होगा, होका पियोगे निरोग हो जाओगे, तो होका पियो। क्यों आप ऐसा हार करते जैसे रोगी बनो, सीधा सीधा काम। लेकिन जो गलती कर डाली है उसकी अब माफी मिलने का कोई सवाल ही नहीं, तो सजा मिलेगी, और शुरू हो गई सजा। कहा था उनसे कि भाई अगर ये काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी, इसलिए ये काम मत करना। कई लोगों ने कहा आ रहे हो, अब जाओ, बात खत्म हो गई, बात वादा का खत्म हो गया, तो जाओ, जो चाहो तो करो जाकर। मना किया जाता है कि भाई अशुद्धार मत, पशु है पंछी का है, ये मतलब है कि मुर्गी है मुर्गा है बकरी का है भाई, इनका अंडे है इनका आहार मत करना, शुद्ध आहार करो ना, सब्जी है फल है ये सूखे गीले घी दूध है इसको खूब खाइए, और नशा शराब ऐसा नशा आप कोई मत करो, कभी तो आप नहीं माने, जो चाहो तो करो, क्या अब तो छुट्टी हो गई आपकी, एक दफे किया दसवा दफे किया। इसलिए नामदान आप मत लो, पहले वो छोड़ दो, जो कुछ करते वो करते हो तो छोड़ दो, नामदान तो फिर भी मिल जाएगा जल्दी। तुमने अगर ये नामदान ले लिया और लेने के बाद आपने किया तो ये तो सब गया, और 100 गुनी ज्यादा सजा, तो फिर वो ठीक नहीं है। पहले उसको छोड़ो, और छोड़ के गाओ कि हमने कभी नहीं करी, तब तो ठीक है। और गलती कर बैठते हो तो फिर आपके लिए जय।